नजर जेडीयू पर है क्योंकि वहां सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। दिल्ली आने से पहले नीतीश की चुप्पी ने एक बार फिर कई सवाल खड़े कर दिए। नीतीश कुमार आज शाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। अगले ही दिन यानी 29 दिसंबर को जेडीयू राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक है। जेडीयू के अध्यक्ष लल्लन सिंह भी दिल्ली में हैं। उनके इस्तीफे को लेकर अटकलें लगाई जा रही हैं। दिल्ली रवानगी से पहले पटना में नीतीश कुमार ने लल्लन सिंह के इस्तीफे के सवाल पर कोई जवाब नहीं दिया। नीतीश कुमार ने कहा कि दिल्ली का दौरा रूटीन के तहत है। अध्यक्ष आप रहेंगे जेडीयू के? अरे नहीं, खबरें चल रही है, चिंता मत, नॉर्मल है। हर साल में एक बार मीटिंग का हम लोग का परंपरा है, तो इसलिए उसी की मीटिंग है, नॉर्मल है, कोई ऐसा कुछ खास नहीं। खबर चल रही है कि सर आप एनडीए में जाएंगे, लेकिन एनडीए के लोग तो नीतीश के दिल्ली आने से पहले उन पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने भी तंज किया। उन्होंने कहा कि नीतीश लालू को गाना सुना रहे हैं। भाजपा में फिर आ रहे हैं क्या? देखिए नीतीश जी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं, और वो बार बार लालू जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ ताक झांक करते हैं। तो लालू जी डर जाते हैं कि हमारे बेटवा का क्या होगा, तो बेटवा का क्या होगा उसमें वो डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। भाजपा का शटर खुला हुआ है? नहीं नहीं, हम शटर एकदम खिड़की कबाड़ सब भाजपा का बन गया। 2024 में जाकर बोल दिया, 2024 में भारतीय जनता पार्टी की सर्वे में रिपोर्ट आया, सरकार बनेगी, खूब बढ़ चढ़ के बनेगी। भाजपा में फिर आ रहे हैं क्या? देखिए नीतीश जी का मैं बार बार कहता हूँ, वो लालू जी के साथ कंफर्टेबल नहीं, और वो बार बार लालू जी को डराने के लिए भारतीय जनता पार्टी के तरफ ताक झांक करते हैं। तो लालू जी डर जाते हैं कि हमारे बेटवा का क्या होगा, तो बेटवा का क्या होगा उसमें वो डर जाते हैं। लालू नीतीश जी डरा देते हैं और वो गाना गाते हैं, मैं मायके चली जाऊंगी तुम देखते रहियो। तो जहां पर बीजेपी तंज कर रही है, वहीं आरजेडी और जेडीयू के नेता पार्टी के बचाव में बयान दे रहे हैं। तेजस्वी यादव ने कहा कि हर पार्टी की देखिए मीटिंग होती है, ये सब सामान्य है। लल्लन सिंह, नीतीश कुमार, विजय चौधरी सब बार बार बोल चुके हैं कि ये खबरें फर्जी हैं। तेजस्वी ने फिर से दोहराया कि हम सब नीतीश कुमार के साथ खड़े हैं। बार बार कितनी बार सफाई देता है भाई? कल ही विजय चौधरी जी ने बताया, उससे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी के साथ दो दिन पहले हम ही लोग खड़े होकर के बयान दे रहे थे। तब भी अगर नहीं मानना है तो लोग ना माने, लेकिन दो दिन की खुशी न्यूज चला करके कोई मतलब तो है? अरे हर पार्टी का राष्ट्र स्तर पर बैठक होता है, कार्यकारिणी होती है। हम लोगों का नहीं वक्त था क्या? काल कटोरा स्टेडियम में खुला अधिवेशन भी दिल्ली में हम लोगों ने किया था। इस तरह की बेकार की बातें हैं, लोगों को तुल देना है तो दे, उससे कोई फर्क नहीं। तो ये दरअसल ऐसे ही सुगबुगाहट तेज नहीं है। बीजेपी के तमाम नेता तो ये बात कह रहे हैं। 28 दिसंबर को पार्टी पदाधिकारियों की ये बैठक है, दिल्ली में मंथन चल रहा है, और कल 29 दिसंबर को कार्यकारिणी की बैठक होनी है। इसको सामान्य घटना बताया जा रहा है, लेकिन लल्लन सिंह के जिस तरह से तेवर दिख रहे हैं उससे ये लग रहा है कि हो सकता है वो इस्तीफा दे दे। मुद्दे क्या दिख रहे हैं? मंथन जिस पर आज होना है, नेतृत्व परिवर्तन, क्या ये एक बड़ा मुद्दा होगा? पार्टी की अध्यक्षता लल्लन सिंह के ही हाथों में होगी या ये अब शिफ्ट होकर नीतीश कुमार के हाथ में पहुंच जाएगी? 2024 की रणनीति क्या होगी? गठबंधन के मुद्दे क्या होंगे? क्योंकि नीतीश को वहां से भी जिस तरह दरकिनार कर दिया गया है, उसके बाद एक नई स्ट्रेटजी जाहिर तौर पर पार्टी बनाने के मोर्चे पर होगी। लोकसभा चुनाव भी सामने है, उसको लेकर जेडीयू पार्टी की अपनी क्या रणनीति होती है, यह सब मंथन और चिंतन दिल्ली में आज होने वाला है। शशिभूषण हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। शशिभूषण, जिस तरह से यह हलचल तेज है, सवाल ऐसे ही नहीं उठते, आग कहीं ना कहीं लगी होगी तभी धुआं उठ रहा है। बिल्कुल, और जो जेडीयू के हमारे अंदरूनी सूत्र हैं वो लगातार बता रहे हैं कि जो खबर आई कि ललन सिंह ने इस्तीफे की पेशकश किया, ललन सिंह को रिप्लेस किया जाएगा, वो खबर लगभग सही साबित होगी कल नेशनल एग्जीक्यूटिव की बैठक में, क्योंकि नीतीश कुमार के आवास पे हम इस वक्त मौजूद हैं। और सबसे पहले अपडेट दे दें अपने दर्शकों को अर्पिता कि नीतीश कुमार यहाँ से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो चुके हैं, 2 मिनट पहले यहाँ से एयरपोर्ट के लिए निकले हैं और 10:40 पे उनकी फ्लाइट है, मतलब
जो शेड्यूल है उनका, जिस विमान से उनको जाना है उसी कार्यक्रम को की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। नीतीश कुमार ने अब से थोड़ी देर पहले जो बीजेपी के वरिष्ठ नेता रहे थे स्वर्गीय अरुण जेटली, उनकी जयंती समारोह में शामिल हुए थे और वहां उनसे जो सवाल किए गए, उन सवालों के जवाब में जो नीतीश कुमार ने कहा है, आप यकीन मानिए कि वो एक तरह से टालने वाला रवैया था नीतीश कुमार का। नीतीश कुमार अभी अपने पत्ते नहीं खोलना चाहते हैं और जेडीयू के अंदर जो एक संगठन में बदलाव को लेकर के हलचल है उस खबर पर मोहर भी लगेगी, ये हमारे सोर्सेज भी बता रहे हैं। और जेडीयू के वरिष्ठ नेताओं से आज भी हमारी बात हुई, उनका ये कहना है कि ठीक है जो पार्टी की बैठक है वो तो अपने तय समय पे होती है, लेकिन सांगठनिक तौर पे भी जो 2 साल का टेन्योर होता है एक अध्यक्ष का, वो जो है वो पूरा होने वाला है, क्योंकि ललन सिंह का पूरा जो टेन्योर था वो नहीं था। आरसीपी सिंह जब अध्यक्ष पद से ड्रॉप हुए, जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में गए। जी ठीक है, आप रहिए जरा शशि भूषण हमारे साथ, हिमांशु भी इस वक्त जुड़ चुके हैं। हिमांशु देखिए, ये सारी गतिविधियां जो हो रही हैं वो दिल्ली में हो रही हैं, जेडीयू की तरफ से ऑल इज वेल जरूर कहा जा रहा है, लेकिन क्या वाकई ऑल इज वेल है? क्या होगा आज यहाँ मंथन में? देखिए मुझे लगता है कि सब कुछ ऑल इज वेल नहीं है, और जो बात शशि भूषण कह रहे थे मुझे भी उसकी उम्मीद ज्यादा लगती है, क्योंकि जब आग लगने की बात हो बात कही जाए तो कहीं ना कहीं धुआं होता है। और दूसरी चीज ये है कि नीतीश कुमार कब क्या फैसला लेंगे ये कोई नहीं जानता है, और ललन सिंह के इस्तीफे की बात अगर आई है तो कहीं ना कहीं कुछ पक रहा है। अब देखना यह है कि आज राष्ट्रीय कार्यकारिणी की जो बैठक है अर्पिता, उस बैठक के अंदर क्या एजेंडे में ये शामिल किया जाएगा कि ललन सिंह अपना इस्तीफा देंगे और उसके बाद जो है नीतीश कुमार जो है पार्टी की कमान को संभालेंगे और नीतीश कुमार के नेतृत्व में ही जो है 2024 का लोकसभा का चुनाव लड़ा जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता है कि नीतीश कुमार की जगह कोई और पार्टी अध्यक्ष बन जाए। और ललन सिंह की तरफ से हमेशा या उनके आसपास रहने वाले लोगों की तरफ से ये कहा जाता रहा है कि ललन सिंह जो है वो खुद लोकसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं। जब कोई व्यक्ति लोकसभा चुनाव लड़ता है तो उसको अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ज्यादा टाइम देना पड़ता है चुनाव प्रचार के लिए, तो ऐसे में वो पार्टी के अध्यक्ष रहते हुए बहुत ज्यादा टाइम जो है वो पार्टी को नहीं दे पाएंगे। और साथ ही साथ जो गठबंधन चल रहा है इंडिया गठबंधन के साथ, वो उसके लिए मीटिंगों का दौर आएगा, तो इसमें बहुत ज्यादा समय वो नहीं दे पाएंगे। और इसलिए नीतीश कुमार के हाथ में पार्टी की कमान जो है मुझे लगता है कि वो सौंप दी जाएगी और कल इसका फैसला जो है वो हो जाएगा, क्योंकि राष्ट्रीय कार्यकारिणी की भी बैठक भी है और राष्ट्रीय परिषद की। अगर राष्ट्रीय परिषद की बैठक के अंदर ये फैसला होता है तो नीतीश कुमार अगर अध्यक्ष बनेंगे तो उसका रेटिफिकेशन जो है वो। ठीक है हिमांशु, जरा आप नजर बनाए रखिए, तो आज क्या होता है मंथन और चिंतन के बाद, क्या ललन सिंह अध्यक्ष पद छोड़ते हैं और नीतीश संभालते हैं, इन सब पर हमारी नजर रहेगी। लेकिन एक और खबर, वो खबर है कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि 2024 चुनाव को लेकर कांग्रेस अपने चुनावी अभियान की शुरुआत जो है वो नागपुर से कर रही है। कांग्रेस ने स्थापना दिवस के मौके पर नागपुर में बड़े शक्ति प्रदर्शन की तैयारी की है। रैली में सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समेत तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहने वाले हैं। भारत जोड़ो मैदान में आयोजित इस रैली के लिए कांग्रेस का नारा भी चुनावी हुंकार से जुड़ा है। रैली की थीम है तैयार हम। तो नागपुर से कांग्रेस के लोकसभा अभियान की शुरुआत कांग्रेस पार्टी कर रही है और तमाम दिग्गज उस पार्टी के यहां पर होने वाले हैं। आज कांग्रेस का स्थापना दिवस समारोह होना है, इसके लिए जबरदस्त तैयारी दिख रही है। लोकसभा अभियान की शुरुआत नागपुर से कांग्रेस पार्टी कर रही है, लाखों कार्यकर्ता जो हैं वो कांग्रेस पार्टी के वहां जुड़ रहे हैं। दिग्गज चेहरे, दिग्गज नेता जो हैं प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, राहुल गांधी, हर आज वहां पर होगा। साहिल जोशी हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। साहिल, क्या तैयारियां दिख रही हैं आज के लिए और नागपुर चुनने की कोई खास वजह? ठीक है, नागपुर एक तरीके से भारत का सेंटर माना जाता है और इसके चलते भारत के मध्य से ये चुनावी प्रचार का ऐलान है तैयार, हम कांग्रेस शुरू करने की कोशिश कर रही है। तैयारी इस तरीके से है कि आज इस रैली के लिए भी जब कांग्रेस के नेता जाएंगे तो एक साथ बस में वहां पर वो सफर करेंगे, अलग अलग गाड़ियों में नहीं जाएंगे। सारे कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरीज यहां पर पहुंचेंगे दोपहर तक, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री दोपहर तक यहां पर पहुंचेंगे और सब लोग साथ में
जहां पर रैली होने जा रही है भारत जोड़ो मैदान में, वहां पर जाकर वो लोग पहुंचने वाले हैं। दूसरी बात यह कि एआईसीसी ने मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज की घोषणा की है, उनकी पहली बैठक भी वो नागपुर में करने जा रहे हैं। इस रैली के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे उन जनरल सेक्रेटरी से मिलेंगे। हालांकि अब तक प्रियंका गांधी को कोई स्टेट का की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी गई है, लेकिन वो भी इस बैठक में शामिल होंगी। और उसके बाद एक तरीके से कल से कांग्रेस और बाकी जो उनके सहयोगी दल है, इंडिया के पार्टनर्स हैं, उनके बीच में सीट शेयरिंग का फॉर्मूला कैसे हो उसकी शुरुआत दिल्ली में बैठक करके होगी। और उसकी भी शुरुआत महाराष्ट्र के नेताओं से होने वाली है। महाराष्ट्र के नेता दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद कांग्रेस के जो पांच नेताओं की एक कमेटी बनाई गई है जो सीट शेयरिंग की बातें करेंगी, उनके साथ में उनकी बैठक होने जा रही है। बड़ी बात यह है इसमें कि इस रैली में कांग्रेस के लिए पैसा इकट्ठा करने की मुहिम भी चलाई जा रही है। हर सीट के पीछे एक स्कैन कोड लगाया गया है कि जिसके ऊपर कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को कहा गया है कि आप डोनेशन कांग्रेस पार्टी के लिए दें। कांग्रेस की 138 फाउंडेशन डे के दिन पे इस तरीके से पार्टी को, एक ग्रैंड ओल्ड पार्टी को पैसे इकट्ठे करने पड़ रहे हैं क्योंकि उन्हें फंड्स की कमी है और इलेक्शन के पहले फंड्स की एक तरीके से को इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। उसके साथ साथ राहुल गांधी की जो भारत न्याय यात्रा शुरू होगी जनवरी महीने में, उसके बारे में भी इस जनरल सेक्रेटरीज की मीटिंग में उनको बताया जाएगा कि किस तरीके से ये यात्रा रहेगी। मणिपुर से लेकर मुंबई तक ये यात्रा का सफर होगा। कम से कम 5 से 6 भाषण यहाँ पर होंगे और मल्लिकार्जुन खड़गे का कांग्रेस अध्यक्ष के नाते इस कार्यक्रम में होने जा रहा है। तो सोचिए, सबसे पुरानी पार्टी, 138वां स्थापना दिवस और यहाँ फंड जुटाने के लिए किस तरह पैतरे आजमाती हुई कांग्रेस पार्टी नजर आ रही, जरा समझिए। नागपुर में होने वाली रैली, कांग्रेस ने वहां जो कुर्सियां लगी हैं वहां पर पेमेंट स्कैनर लगाए हुए हैं ताकि पार्टी के लिए चंदा जुटाया जा सके। इस वक्त नागपुर में हम उस मैदान में मौजूद हैं जहां पर कांग्रेस अपना स्थापना दिवस मनाने जा रही है। आपको बता दें कि नागपुर महाराष्ट्र के सेंट्रल इंडिया का हिस्सा है। यहां पर आज कांग्रेस के सारे आला जो नेता हैं वो होंगे, राहुल गांधी, सोनिया गांधी होंगे, प्रियंका गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जो कांग्रेस प्रेसिडेंट है वो यहां पर मौजूद रहेंगे। आप देख सकते हैं कि तैयारी बड़ी जोर शोर से की गई है क्योंकि 2024 के लोकसभा इलेक्शन भी आने वाले हैं और इसी जरिए आप बता सकते हैं फाउंडेशन डे के जरिए ये शुरुआत कहीं ना कहीं कांग्रेस करने जा रही है कि आने वाले चुनाव के लिए है तैयार हम, ये नारा यहां पर दिया गया है। कई लाख कार्यकर्ता कांग्रेस के यहां पर आज आने वाले हैं, ऐसा कांग्रेस का दावा है। अब देखना यह होगा कि जो नेता यहां पर कांग्रेस के बात करते हैं उनसे क्या कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा मिलती है, क्योंकि आप देखें कांग्रेस पिछला जो 3 स्टेट्स में परफॉर्मेंस रहा है उसमें उन्हें हार मिली है। उसके बाद कांग्रेस के वर्कर्स भी चाहते हैं किसी तरह से मोटिवेशन उन लोगों को मिल पाए, ग्राउंड लेवल पर एक्सेप्टेंस मिल पाए। राम मंदिर हो, महंगाई का इशू हो, अलग अलग विषय है, पर इंडिया अलायंस 2024 के लिए क्या मुद्दा लेकर लोगों के सामने जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने क्राउड फंडिंग भी शुरू की है। पार्टी पुरानी है लेकिन फिर भी आप कह सकते हैं कि उन्होंने लोगों से एक तरह से जो पैसे हैं वो इकट्ठा करने शुरू किए हैं और हर सीट के पीछे आप देखेंगे तो एक बारकोड लगाया गया है जिस बारकोड के जरिए आप ये पेमेंट कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी को अपना योगदान दे सकते हैं। तो ये तरीका कुर्सी के पीछे स्कैनर लगा के पैसे पार्टी के लिए, फंड पार्टी के लिए जुटाने का कांग्रेस पार्टी ने तराशा है स्थापना दिवस के इस मौके पर। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं।